प्रिय छात्रों, पिछले वीडियो में हमने व्यक्तिगत और खंडित श्रेणी के सत्मक विस्तार निकाले थे। यहाँ पर हम अखंडित श्रेणी कंटिन्यू सीरीज के निकालेंगे। अखंडित श्रेणी की पहचान मार्क्स ग्रुप में दिया हो, जैसे 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50। फ्रीक्वेंसी 3, 7, 8, 2, 10। अब सत्मक विस्तार में परसेंटाइल रेंज में भी ये देखा जाएगा कि ग्रुप असेंडिंग ऑर्डर में दिया है कि नहीं। चूंकि यहां पर ग्रुप असेंडिंग ऑर्डर में दिया है, इसलिए इसको चेंज करने की जरूरत नहीं है। ऊपर हेडिंग हो जाएगी कैलकुलेशन ऑफ परसेंटाइल रेंज, कैलकुलेशन ऑफ परसेंटाइल रेंज एंड कॉफिशियंट। इसमें भी हमारा काम क्या रहेगा, सबसे पहले टेबल बना लेंगे। टेबल के आधार पर हम सवाल को परिवर्तित कर लेंगे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में। मार्क्स फ्रीक्वेंसी, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। मार्क्स दिए हैं इन द क्वेश्चन 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50। फ्रीक्वेंसी इज गिवन इन द क्वेश्चन, दैट इज 3, 7, 8, 2, 10। इन दिस क्वेश्चन द टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी इज एन इज इक्वल टू 30, एन इज इक्वल टू 30। आफ्टर दैट वी शुड कन्वर्ट इन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। 3 वी शुड राइट एज इट इज, 3 + 7 इज इक्वल टू 10, 10 + 8 = 18, 18 + 2 इज इक्वल टू 20, 20 + 10 इज इक्वल टू 30। आफ्टर दैट वी शुड यूज फर्स्ट फार्मूला फॉर परसेंटाइल रेंज। फॉर्मूला इज P10 इज इक्वल टू साइज ऑफ n अपॉन 100। वी शुड लीव हियर +1 n अपॉन 100 आइटम। एंड सेकंड फॉर्मूला इज P90 इज इक्वल टू साइज ऑफ 90 एन अपॉन 100 आइटम इज इक्वल टू 10, 30 अपॉन 100 इट शुड बी 300 डिवाइडेड बाई 100 इज इक्वल टू 3। आफ्टर दैट वी शुड यूज फॉर फार्मूला P90 इज इक्वल टू 90 एन इज इक्वल टू 30 डिवाइडेड बाई 100 इट शुड कम 2700 डिवाइडेड बाई 100 इज इक्वल टू 27। बाय दिस फार्मूला वी कैन कैलकुलेट परसेंटाइल रेंज ग्रुप। हैज द 3, वेयर इज 3, 3 इन सी एफ हियर फॉर P10। सो ग्रुप विल बी P10 इज 0 to 10। P90 27 27 इट्स लाइज हियर P90। फॉर एक्चुअल P10 एंड P90 वी शुड यूज सेकेंड फार्मूला। वॉट इज द फार्मूला? फार्मूला इज हियर वी शुड राइट P10 इज इक्वल टू L1 + L2 - L1 अपॉन F P10 - C। डिटेल हम करेंगे। P10 का मतलब परसेंटाइल 10, L1 इज इक्वल टू द लोअर लिमिट ऑफ, ये हो जाएगा इसका L1, ये हो जाएगा L2, ये हो जाएगा F,
सी यहां पर दिया नहीं है, इसलिए सी इज इक्वल टू जीरो माना जाएगा। अब इसके बाद हम इसको पुट कर लेंगे पैमाने में, मार्क्स इसको फार्मूले में पुट करेंगे, इज इक्वल टू एल वन हमारा है जीरो, टेन माइनस जीरो, एफ हमारा दिया हुआ थ्री, पी टेन जो कि फार्मूले के आधार पर हमने कैलकुलेट किया था पहले वाले फार्मूले से थ्री, और सी हमारा है जीरो, इज इक्वल टू जीरो प्लस टेन अपॉन थ्री मल्टीप्लाइड बाई थ्री, इज इक्वल टू जीरो प्लस थर्टी अपॉन थ्री, इज इक्वल टू जीरो प्लस टेन, आंसर आ जाएगा हमारा टेन मार्क्स। ये आ गया हमारा पी टेन, जीरो में टेन रुपीज जोड़ेंगे तो टेन ही कहलाएगा, जीरो नहीं होगा क्योंकि मल्टीप्लाई हम नहीं कर रहे हैं। अब इसके बाद हमारे ये कितना आ गया, पी टेन इज इक्वल टू टेन। अब पी नाइनटी कैलकुलेट करना है, पी नाइनटी इज इक्वल टू फार्मूला में यहां हम चेंज कर देंगे, टेन के स्थान पर नाइनटी कर देंगे। अब ये देखेंगे कि पी नाइनटी जहां पर आ रहा है वहां पर एल वन एल टू एफ और प्रीसीडिंग ग्रुप का सी, यहां पर इज इक्वल टू एल वन है 40 प्लस 50 माइनस 40, फ्रीक्वेंसी इज 10, पी नाइनटी जो हमने कैलकुलेट किया था 27 और सी हमारा 20, इज इक्वल टू 40 प्लस 10 अपॉन 10 मल्टीप्लाइड बाई 7, इज इक्वल टू 40 प्लस 70 अपॉन 10, ये आ जाएगा हमारा इज इक्वल टू 40 प्लस 7 इज इक्वल टू 47 मार्क्स। ये आ गया हमारा P90 इज इक्वल टू 47। फार्मूला जैसा कि पहले भी लिख चुके हैं, फार्मूले में कोई चेंज नहीं होगा, परसेंटाइल रेंज इज इक्वल टू एंसर ऑफ P90 माइनस P10, 47 माइनस 10 इज इक्वल टू हमारा 47 माइनस 10, आंसर आ जाएगा 37। अब यदि इसका कोफिशिएंट कैलकुलेट करना है, कोफिशिएंट ऑफ परसेंटाइल रेंज इज इक्वल टू P90 माइनस P10 अपॉन P90 माइनस P90 प्लस P10। फार्मूले में हम इसको फीट कर देंगे, इज इक्वल टू ये आ जाएगा 47 माइनस 10 और ये आ जाएगा 47 प्लस 10, 37 डिवाइडेड बाय 57, ये अप्रॉक्स मान के चले कि नियर अबाउट 0.6, कैलकुलेटर से हम कैलकुलेट कर लेंगे तो लगभग 0.6 के आसपास आएगा, वो हमारा आंसर कहलाएगा। अब इसके बाद टाइप्स ऑफ कंटिन्यूस सीरीज, यहाँ पर हम डिटेल में नहीं जाएंगे, ऑलरेडी पहले हम कर चुके हैं, मीडियन में भी कर चुके हैं, क्वार्टाइल में भी कर चुके हैं। इन द टाइप्स ऑफ कंटिन्यूस सीरीज देयर आर 5 टाइप्स ऑफ कंटिन्यूस सीरीज। नंबर 1, व्हेन क्वेश्चन इज गिवन इन मिड वैल्यू, इन द कंडीशन ऑफ मिड वैल्यू वी शुड चेंज ओनली आइटम, कन्वर्ट इन द एक्सप्लिसिट सीरीज एंड फ्रीक्वेंसी वी शुड राइट एज इट इज। नंबर 2, व्हेन क्वेश्चन इज गिवन इंक्लूसिव सीरीज, in the condition of inclusive series only we should change items, 0.5 we should less from the item, so we should get L1 and 0.5 we should add and then we should get L2, after that we should write frequency as it is. Number 3, when question is given below, under, less than, or Hindi mein hum usko se kam kehte hain. In the condition, first we should write marks which is given in the question, that will be L2. After that, from the difference of item we should less, so less item will be L1. In the condition of ascending order, if frequency is given in the ascending order, then we should convert. After that, if frequency is given descending order, then we should convert new frequency. After that, we should use all method which we have done in the continuous series. Number 5, when question is given more than, same procedure we should adopt which we have adopted in quartile 1, median and quartile 3 also. Number 5, when question is given in first item is equal, first item equal means 0 to 10, 0 to 20, 0 to 30, 0 to 40, 0 to 50. In this condition, we should assume first item is not given in the question,
After that, we should use all method of blow, which is given in the condition of blow. What we will see? First, we should find difference between various item. Item which is given in the question, that will be L2, and we should deduct new item should be L1. After that, we will see if frequency is given in the ascending order, then we should convert. After that, all method we should adopt which is given in the continuous series. Thank you.